जिन लोगों ने ईश्वर को जाना है या जिन्होंने परमानंद का अनुभव किया है वे ऐसी चीजें कर सकते हैं जो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इंसान की उपलब्धियों की कोई सीमा होती है भौतिकता की हमेशा एक सीमा होती है है ना? आप इसे स्ट्रेच कर सकते हैं लेकिन फिर भी भौतिक शरीर की एक सीमा होती है भौतिक का मतलब ही सीमा है, है ना? एक भौतिकता का आधार ही सीमित सीमा रेखा है, है कि नहीं एक सीमित सीमा रेखा की वजह से ही आप इसे भौतिक कह सकते हैं अगर आप उस सीमा रेखा को मिटा दें जो किसी भौतिक आकार की है तो भौतिकता जैसी कोई चीज नहीं रह जाएगी वो जो असीमित है वो भौतिक नहीं है, है ना तो क्या कोई सीमा है निश्चित रूप से है प्रकृति ने आप पर बहुत सारी सीमाएं लगा रखी हैं पर मैं ये बता रहा हूं कि आप नई सीमाएं जात कर रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है प्रकृति ने पहले ही आपके लिए बहुत सारी सीमाएं लगा रखी हैं आपको और सीमाएं गढ़कर अभी आप जो हैं, खुद को उससे और छोटा बनाने की जरूरत नहीं है एक इंसान ईश्वर और स्वर्ग वगैरह के बारे में इतनी बातें आम तौर पर मूल रूप से इसीलिए होती हैं क्योंकि लोगों ने इंसान होने की विशालता का अनुभव ही नहीं किया है यही असली समस्या है अगर आप इंसान होने की विशालता का अनुभव कर रहे होते तो आप दूसरी चीजों के बारे में ज्यादा बातें नहीं करते ये अपने आप में जबरदस्त है यह एक दोपहर में मछली को इंसान बना देता है क्या यह जबरदस्त नहीं है लेकिन ये इसे अनजाने में कर रहे हैं अगर वो चेतना के साथ मछली को इंसान में बदल दें तो यह अद्भुत घटना होगी है ना है कि नहीं यह नामुमकिन जबरदस्त काम आप सभी कर रहे हैं लेकिन अनजाने में तो सवाल यह है कि आपका कितना हिस्सा आपकी चेतना में आ गया है अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि अभी आप अपने एक प्रतिशत हिस्से के बारे में भी चेतन नहीं हैं। अगर कुछ और प्रतिशत चेतना में आ जाए तो अचानक आप जो भी काम करते हैं वो सुपर ह्यूमन लगता है अब मेरे आसपास के लोग हर दिन ऐसी कई चीजें देखते हैं जिन पर वो विश्वास नहीं कर सकते तो लोग कहते रहते हैं सदगुरु क्या आप सुपर ह्यूमन है क्या आप एक इंसान है मैं उन्हें याद दिलाता हूं दिस इज नॉट अबाउट बींग्यूमन इज सुपर यह सुपर ह्यूमन बनने के बारे में नहीं है बल्कि यह समझने के बारे में है कि ह्यूमन होना ही सुपर है Now, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं एक आदमी में आध्यात्मिक प्यास जाग उठी उन दिनों जब आध्यात्मिक प्यास जागती थी तो लोग जंगल में चले जाते थे तो वो जंगल चला गया और उसने बैठकर ध्यान करने के लिए एक अच्छी सी चट्टान ढूंढ ली वो बैठ गया और फिर उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक लोमड़ी थी उसके सामने के दोनों पैर कटे हुए थे लोमड़ी अपंग थी शायद किसी शिकारी के जाल में फंसकर उसकी दोनों टांगे कट गई थीं। प्रकृति किसी भी प्रकार की असमर्थता पर दया नहीं दिखाती असमर्थ लोगों की मदद करना यह काम सिर्फ इंसान ही यह इंसानी समाज की खासियत है प्रकृति में अगर आप अपना भोजन नहीं जुटा सकते तो आप गए काम से तो यहां एक लोमड़ी थी जिसके आगे की दोनों टांगे कटी हुई थी लेकिन दिखने में वह स्वस्थ और हट्टी कट्टी लग रही थी उसने ये देखा और वह सोचने लगा कि पैरों के बिना यह लोमड़ी अपना काम कैसे चला रही है फिर वो बैठ गया उसे ध्यान लगाना था ओम उसने जाप शुरू किया ओम 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 कुछ समय तक चलता रहा जब शाम हुई उसे एक शेर के गुर्राने की आवाज सुनाई दी जैसे ही उसने गर्र की आवाज सुनी ओम गायब हो गया और वो एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया वो ध्यान व्यान सब भूल गया फिर शेर अपने मुंह में मांस का एक टुकड़ा दबाया आया और वो टुकड़ा उसने उस अपंग लोमड़ी के सामने रख दिया लोमड़ी ने वो मांस खा लिया और शेर वहां से चला गया उस आदमी ने सोचा ओ ये तो एक दैवीय संदेश है भगवान मुझसे कुछ कहना चाहते हैं एक अपंग लोमड़ी को एक खूंखार शेर खाना खिला रहा है यह सबसे बड़ा चमत्कार है भगवान मुझे कोई संदेश दे रहे हैं वो संदेश क्या है क्या है क्या है वो ध्यान लगाना पूरी तरह से भूल गया और सोचने लगा कि वो संदेश क्या है फिर उसने खुद ही अपना एक संदेश बना लिया उसने कहा भगवान मुझसे कहना चाहते हैं कि इस चमत्कारी जंगल में एक अपंग लोमड़ी को भी एक खूंखार शेर खाना लाकर देता है जब ऐसी व्यवस्था है तो मूर्ख तू तो आध्यात्म के मार्ग में है तू क्यों खाने के बारे में सोच रहा है बस एक जगह पर बैठ खाना तेरे पास आ जाएगा तो वो बैठ गया ओम, एक दिन दूसरा दिन ओम, तीसरा दिन ओम। छठवें, सातवें दिन तक वो जिंदा रहने के लिए तड़पने लगा वो हिल भी नहीं पा रहा था बिल्कुल कमजोर तड़प रहा था लगभग मरने जैसी हालत थी उस रास्ते से एक योगी गुजर रहे थे उन्होंने वो आवाजें सुनी वो उसके पास आए और पूछा क्या हुआ तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई आदमी बोला ओह oh, महान योगी मुझे एक देवी संदेश मिला था मैंने उसका पालन किया और ऐसा हो गया योगी ने पूछा क्या हुआ था आदमी बोला वहां उस लोमड़ी को देखिए देखिए वो कितनी तंदुरुस्त है रोज एक शेर उसके लिए मांस का एक टुकड़ा लेकर आता है और उसे खिलाता है आपको नहीं लगता कि यह दैवी संदेश है बताइए क्या यह सच में दैवी संदेश है योगी ने कहा निश्चित रूप से यह एक दैवी संदेश है लेकिन तुमने एक दयालु शेर के बजाय एक अपंग लोमड़ी की नकल करना क्यों चुना है तो यह चुनाव आपको करना है अगर आप एक अपंग लोमड़ी की नकल कर रहे हैं तो एक दयालु शेर आपको चमत्कारी लगेगा यह कोई चमत्कार नहीं है यह किया जा सकता है यह किया जा सकता है इसमें कोई चमत्कार नहीं है लेकिन इसे देखने के दो तरीके हैं एक तो ये कि सब कुछ चमत्कार है अच्छा बताइए आप जमीन में गंदगी डालते हैं और पेड़ से आम निकल आते हैं मीठे है आम गंदगी और आमों की मिठास क्या वो दोनों एक ही चीज है वो एक ही है, है कि नहीं क्या वो दोनों एक नहीं है जो खाना आप खाते हैं और अगले दिन टॉयलेट में जो आप करते हैं वो एक ही है है कि नहीं हाँ या ना अगर कल आप उस गंदगी को खेत में डालेंगे तो फिर से वो आपका खाना बन जाएगी <sweb> <haven> है कि नहीं दोनों एक ही हैं लेकिन क्या आप दोनों के साथ एक सा बर्ताव कर सकते हैं नहीं आपके पास ये समझ होनी चाहिए कि कैसा बर्ताव करें लेकिन हैं वो दोनों एक ही है ना गंदगी से आम बनना क्या यह चमत्कार नहीं है मछली को इंसान बनाना क्या यह चमत्कार नहीं है हा या ना हर चीज एक चमत्कार है यह जिंदगी को देखने का एक तरीका है जिंदगी को देखने का दूसरा तरीका यह है कि कुछ भी चमत्कार नहीं है सब कुछ कारण और परिणाम के बीच हो रहा है अगर आपकी दृष्टि इतनी सीमित है कि आप कारण को नहीं देख पा रहे आपको सिर्फ परिणाम ही दिखाई दे रहा है तो फिर ऐसा ही होगा अगर आप कारण और परिणाम दोनों को देख सकते हैं तो सब कुछ समझाया जा सकता है सब कुछ दोहराया जा सकता है सब कुछ संभव बनाया जा सकता है अब मैं एक ऐसी तकनीक के बारे में बात कर रहा हूं जो आपको एक चमत्कार बना देगी लेकिन वो कोई चमत्कार नहीं है सारी तकनीकें चमत्कार जैसी लगती हैं है ना मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते और अभी हॉल में बिल्कुल अंधेरा है और मैं आपसे कहता हूं देखेगा भी मैं बस दीवार के इस हिस्से को छूंगा और पूरे हॉल में रोशनी हो जाएगी और अगर मैं ऐसा कर दूं तो वाह आप मेरे सामने सिर झुका देंगे है ना? कोई भी चीज जो आपको समझ नहीं आती वो आपके लिए एक चमत्कार है है ना हां कोई भी चीज जिसे आप नहीं समझ पाते वो आपके लिए एक चमत्कार है अभी मैं अपनी जेब से एक चीज निकालूंगा ये बस प्लास्टिक और मेटल से बनी है और मैं ऐसा करके भारत अमेरिका या कहीं भी मौजूद किसी व्यक्ति से बात करूंगा यह चमत्कार है कि नहीं समस्या ये है कि आप सभी के पास है अगर ये केवल मेरे पास होता अगर मेरे पास हजार साल पहले सेलफोन होता तो मैं भगवान बन चुका होता लेकिन ये मेरे पास बहुत देर से आया अगर हजार साल पहले मेरे पास एक लाइट बल्ब होता तो मैं भगवान बन सकता था लेकिन वो मुझे बहुत देर से मिला तकनीकें कभी सही वक्त पर नहीं आई है ना जो भी चीज आपको समझ नहीं आती वो आपके लिए एक चमत्कार है और साथ ही क्या एक भी ऐसी चीज है जिसे आप पूरी तरह से समझते हैं मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें क्या आप इस फूल को पूरे तरीके से समझते हैं, समझते हैं? हो सकता है कि दस हजार साल तक आपने बौटनी पढ़ी हो लेकिन क्या आप इस फूल को पूरी तरह से समझते हैं क्या आप अस्तित्व के एक परमाणु को भी समझते हैं बताइए नहीं तो सब कुछ चमत्कार है अगर आप पर्याप्त गहराई से देखें तो सब कुछ चमत्कारी है एक स्तर पर सब कुछ समझाया जा सकता है और दूसरे स्तर पर सब कुछ चमत्कारी है यही जीवन की खूबसूरती है अगर आप में जरूरी समझ है और जानने की उत्सुकता और जिज्ञासा है तो आप उसे पूरा समझ सकते हैं और फिर भी उसे देखकर आश्चर्य कर सकते हैं आप अपनी पूरी जिंदगी इस फूल का अध्ययन कर सकते हैं और फिर भी उसे देखकर हैरान हो सकते हैं यही अस्तित्व की खूबसूरती है है ना या फिर आप एक मूर्ख भी हो सकते हैं जो इस फूल के बारे में नतीजे निकाल लें और मान लें कि आपको सब पता है यही अंतर है आपके जीवन की हर चीज ऐसी ही है, है कि नहीं हा? आपके जीवन में सब कुछ ऐसा ही है तो यह चमत्कारी भी है और साधारण भी इसे समझाया भी जा सकता है और यह समझ से परे भी है इंसान भी है और भगवान भी आप दोनों पहलुओं के बीच खेल सकते हैं यह बहुत सुंदर है आप जानवर भी बन सकते हैं इंसान बहुत आसानी से जानवरों जैसा बर्ताव कर सकते हैं है ना क्योंकि इंसानी स्वभाव को प्रकृति ने फिक्स नहीं किया है आप पूरी आजादी से जानवर की फितरत से इंसान की फितरत और फिर ईश्वरीय फितरत अपना सकते हैं और चाहे तो वापस आ सकते हैं ये बहुत खूबसूरत है इसे बर्बाद मत कीजिए